बनाने पर उतना ध्यान दिया ही नहीं गया। लेकिन अब हमारी सरकार भारतीय रेलवे के कायाकल्प में जुटी है। सरकार ने रेल बजट में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की है। 2014 में रेलवे का जितना बजट था, इस साल उससे 8 गुना ज्यादा बजट दिया गया है। रेल लाइनों का दोहरीकरण हो, बिजलीकरण हो, नई ट्रेनों को चलाना हो, नए रूट्स का निर्माण हो, इन सभी पर तेजी से काम हो रहा है। साथियों, भारतीय रेल में यात्रियों के लिए अगर ट्रेन चलता फिरता घर होती है तो हमारे रेलवे स्टेशन भी उनके अस्थाई घर जैसे ही होते हैं। आप और हम जानते हैं कि हमारे यहां हजारों रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जो गुलामी के काल के हैं, जिनमें आजादी के 75 साल बाद भी बहुत बदलाव नहीं आया था। विकसित होते भारत को अब अपने रेलवे स्टेशनों को भी आधुनिक बनाना ही होगा। इसी सोच के साथ पहली बार भारत में रेलवे स्टेशनों के विकास और आधुनिकीकरण का अभियान शुरू किया गया है। आज देश में रेल यात्रियों की सुविधा के लिए रिकॉर्ड संख्या में फुट ओवरब्रिज, लिफ्ट्स और एस्केलेटर्स का निर्माण हो रहा है। कुछ दिनों पहले ही देश के 500 से ज्यादा बड़े स्टेशनों के रीडेवलपमेंट का काम शुरू किया गया है। अमृतकाल में बने ये नए स्टेशन अमृत भारत स्टेशन कहलाए जाएंगे। ये स्टेशन आने वाले दिनों में नए भारत की पहचान बनेंगे। मेरे परिवारजनों, रेलवे स्टेशन कोई भी हो, उसका एक स्थापना दिवस जरूर होता है, जन्मदिवस जरूर होता है। मुझे इस बात की खुशी है कि अब रेलवे ने रेलवे स्टेशनों का जन्मोत्सव यानी स्थापना दिवस मनाना शुरू किया है। हाल ही में तमिलनाडु के कोयम्बटूर, मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, पुणे समेत कई स्टेशनों के स्थापना दिवस को सेलिब्रेट किया गया। कोयम्बटूर के रेलवे स्टेशन ने तो यात्रियों की सेवा के 150 वर्ष पूरे किए हैं। ऐसी उपलब्धियों पर वहां के लोगों को गर्व होना बहुत स्वाभाविक। अब रेलवे स्टेशनों का जन्मदिवस मनाने की इस परंपरा का और विस्तार किया जाएगा, इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाएगा। मेरे परिवारजनों, अमृत काल में देश ने एक भारत श्रेष्ठ भारत इस विजन को संकल्प से सिद्धि का माध्यम बनाया है। 2047 के जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, 2047 विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए हर राज्य के लोगों का विकास भी उतना ही जरूरी है। पहले की सरकारों में जब कैबिनेट का गठन होता था, तब इस बात की सबसे ज्यादा चर्चा होती थी
कि रेल मंत्रालय किसको मिलेगा। माना जाता था कि रेल मंत्री जिस राज्य से होगा उसी राज्य में ज्यादा ट्रेनें चलेगी, और उसमें भी होता यह था कि नई ट्रेनों की घोषणाएं तो कर दी जाती थी लेकिन पटरी पर बहुत कम ही उतरती थी। इस स्वार्थ भरी सोच ने रेलवे का ही नहीं देश का बहुत बड़ा नुकसान किया, देश के लोगों का नुकसान किया। अब देश किसी राज्य को पीछे रखने का जोखिम नहीं ले सकता। हमें सबका साथ सबका विकास के विजन को लेकर आगे बढ़ते रहना होगा। मेरे परिवारजनों, आज मैं रेलवे के अपने परिश्रमी कर्मचारियों से भी एक बात कहूंगा, जब कोई दूसरे शहर या दूर किसी जगह से यात्रा करके आता है तो उससे सबसे पहले यही पूछा जाता है कि सफर कैसा रहा। वो व्यक्ति सिर्फ अपने सफर का अनुभव ही नहीं बताता, वो घर से निकलने से लेकर मंजिल तक पहुंचने की पूरी बात करता है। वो बताता है कि रेलवे स्टेशन कितने बदल गए हैं, वो बताता है कि ट्रेनों का परिचालन कितना व्यवस्थित हो गया है। उसके अनुभवों में टीटी का व्यवहार, उसके हाथ में कागज की जगह टैबलेट, सुरक्षा के इंतजाम, खाने की क्वालिटी, सब प्रकार की बातें होती हैं। इसलिए आपको रेल के हर कर्मचारी को ईज ऑफ ट्रैवल के लिए, यात्रियों को अच्छा अनुभव देने के लिए लगातार संवेदनशील रहना होता है। और आजकल ये बातें जब सुनने को मिलती है कि इतना अच्छा हुआ, इतना अच्छा हुआ, इतना अच्छा हुआ, तो मन को एक खुशी मिलती है। और इसलिए मैं ऐसे जो प्रतिबद्ध रेल कर्मचारी हैं उनकी भी जी जान से बधाई दे करता हूं। मेरे परिवारजनों, भारतीय रेलवे ने स्वच्छता को लेकर जो नए प्रतिमान गढ़े हैं उसे भी हर देशवासी ने नोटिस किया है। पहले की अपेक्षा अब हमारे स्टेशंस, हमारी ट्रेनें कहीं ज्यादा साफ रहने लगी। आप जानते हैं गांधी जयंती दूर नहीं है, स्वच्छता के प्रति गांधी जी का जो आग्रह था वो भी हम जानते हैं। स्वच्छता के लिए किया गया हर प्रयास गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। इसी भावना के साथ अब से कुछ दिन बाद 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे, याद रखिए 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे स्वच्छता पर एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है। देश के कोने में हो रहा है और देशवासियों के नेतृत्व में हो रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, बहुत आग्रह है, आप भी स्वच्छता के इस अभियान से जरूर जुड़े। 1 तारीख 10 बजे का समय अभी से पक्का कर लीजिए। गांधी जयंती पर हर देशवासी को खादी और स्वदेशी उत्पादों की खरीद का मंत्र भी दोहराना चाहिए। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। एक प्रकार से पूरा महीना हम प्रयत्नपूर्वक खादी खरीदें, हैंडलूम खरीदें, हैंडीक्राफ्ट खरीदें, हमें
लोकल के लिए ज्यादा से ज्यादा वोकल होना ही है। मुझे विश्वास है कि भारतीय रेल और समाज में हर स्तर पर हो रहा बदलाव विकसित भारत की और एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। मैं एक बार फिर नई वंदे भारत ट्रेनों के लिए देश के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से देश के अलग अलग राज्यों में, करिश्मा हमारे साथ ट्रेन में लगातार जुड़ी हुई हैं और डाटा तक का सफर वो तय करेंगे इस ट्रेन से। करिश्मा, आप हरी झंडी दिखने वाली है, ट्रेन के अंदर और ट्रेन के बाहर का उत्साह दिखाइए। मिली है उदयपुर जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, तिरुनवेली मदुरई चेन्नई, हैदराबाद बेंगलुरु, विजयवाड़ा चेन्नई, पटना हावड़ा, कासरगोड तिरुवनंतपुरम, राउरकेला भुवनेश्वर पुरी, रांची हावड़ा, जामनगर से अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस इसमें शामिल है। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।